फर्स्ट टाइम मैं बाहर निकला हूँ और ट्रैफिक तो बहुत सारी है और मैं बाइक पे निकला हूँ। ये इससे पहले मैं कार से ही निकलता था बट आज मैंने ट्राई किया, मैं बाइक से निकलता हूँ तो ये मुझे लेने आया है। तो अभी हम लोग पता नहीं एक जगह स्पॉट है, उसको कल मैंने मैसेज किया था तो बताया था कि स्पॉट है वहाँ जाना है, तो मैंने देखी कि नहीं देखी उसे जाने के बाद पता चलेगा। बट बाहर आके अच्छा लग रहा है क्योंकि 3 महीने से घर के अंदर ही थे तो मज़ा नहीं आ रही थी। हाँ थोड़ी प्रिकॉशंस ली है, संभाल के चलना है बाहर आए तो, बट लेट्स सी। कहाँ पे बैठे और बात करें यार, जगह भी नहीं मिल रही है प्रॉपर, चलना पड़ेगा। और क्योंकि भाई आप लोग को अच्छा नहीं दिखेगा तो बोलोगे यार अच्छा नहीं दिख रहा है, प्रॉपर शूट कर। इसके लिए भाई लोकेशन भी दिखना पड़ता है, तो यहाँ पे बात करेंगे शांति से मस्त। गार्डन में अभी अकेला हूँ, मास्क निकाल सकता हूँ। बढ़िया यार, ये मास्क के डिसएडवांटेज भी बहुत है, जो ये बंदा ना मैं यहाँ पे बांधता था वही सही था, ब्रीदिंग देने में भी अच्छा लगता था। पहले सांस ले लेता हूँ फिर बात करता हूँ। हाँ तो जैसे आपने देखा वीडियो में कि मैं बाहर गया था, बट बाहर गया था लोकेशन में देखने के लिए कि कैसा है, बाद में वीडियो निकाल के आपको दिखा था। बट जैसे सबको पता है रूल्स एवरीडे चेंज हो रहे, तो महाराष्ट्र में भी चेंज हो गया। तो कल ही जैसे 2 रूल्स बने, एक तो महाराष्ट्र में पूरा लॉकडाउन कर दिया कि 2 किलोमीटर के एरिया में ही घूमना है और बाइक पे एक ही जन घूम सकता है, 2 जन नहीं। देन दूसरा टिकटॉक बैन कर दिया, उसके साथ जो 58 चाइनीज ऐप थी वो भी बंद कर दी। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ आज सुबह ये बताता हूँ। जैसे हम लोग बाहर निकले तो सीधा पुलिस ने तो पहले 2 जन को वो देखा तो वैसा पहले रोक दिया। सेकेंड चीज़, जहाँ पे गए थे वहाँ पे भी बहुत सारे पुलिस वाले थे, तो बोले भाई वापस घर चले जाओ, अभी बाहर निकलना अलाउड नहीं है। एंड बहुत सारे सर्कमस्टेंस हुए, और बाकी सबको पता ही है, न्यूज़ में भी देखा रहेगा कि रोड पे पूरा जाम था, ये था वो था। तो उस हिसाब से मैं वापस आ गया और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, और बाद में तो मालूम है घर पे आके कपड़े बदलो, ये सर नहाओ धो सैनिटाइज करो, यार परेशान हो जाते। फिर मैं खाना पीना खाया, रेडी हुआ, बाद में नीचे आके आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ। और अभी जैसे दोपहर का टाइम है तो कोई बच्चे लोग नीचे नहीं है, वरना जो बच्चे लोग टिकटॉक यूज़ करते थे उनसे जाके मैं पूछता कि भाई टिकटॉक बैन हो गया तो कैसा फील हो रहा है, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, जो भी है। बट मैं मेरी सजेशन बताता हूँ कि सबको मालूम है कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, तो फिर भाई हम लोग उनको कमा के दे तो ये अच्छी बात नहीं है। देन फिर साला आके हमारे जो बॉर्डर पे आके हम लोग को ही आँख दिखाता है। उस हिसाब से इंडिया की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया बहुत सही लिया, मुझे तो अच्छा लगा। बट मेरी अकेली की सजेशन है, जो भी इंडिया की सजेशन है सबकी सजेशन लेनी चाहिए। तो अगर हो सकता है तो मैं वीडियो में आप लोगों के साथ बताऊंगा। और दूसरी चीज़, टिकटॉक बैन हो गया मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बहुत सारे हमारे इंडिया के जो कलाकार थे, आर्टिस्ट लोग थे, गरीब से अमीर बन चुके थे, रोजी रोटी थी, बट क्या करें यार, टिकटॉक नहीं था उससे पहले भी कुछ ना कुछ तो करते थे, तो अपना ज़रिया कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। और दूसरी चीज़, अपॉर्चुनिटी भी है कि इंडिया में ही टिकटॉक जैसा ऐप बनाए और क्या पता उसमें भी प्रोग्रेस होने लगे। लॉकडाउन चल रहा है तो सब लोग एक दूसरे से दूर है, बट वीडियो कॉलिंग पे तो पता चल सकता है कि लोगों को पसंद आया कि नहीं आया इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन कि टिकटॉक और जो भी 58 चाइनीज ऐप है बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग कॉल करते हैं। मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है कि जैसे तू टिकटॉक वीडियोज बहुत बना रहा था, तो अभी तुझे पता रहेगा कि कल अनाउंसमेंट कर दिया चाइनीज ऐप बंद हो जाएगी और स्पेशली टिकटॉक, तो तुझे अच्छा, अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है क्योंकि जो चाइना ऐप है ना, एक तो उनको उनके उन्होंने अभी वहाँ से वायरस भी भेजा है, तो अगर तो भी हम उनके मतलब ऐप वापरेंगे तो फिर मतलब उनको बेनिफिट होगा ना, क्योंकि हमने बहुत वायरस भी बहुत के पहले से बहुत के, तो उसके बाद भी ये लोग मतलब हम लोग का साथ दे रहे हैं तो वापर के भी। चाइनीज ऐप बंद हुआ अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। हाँ सन्नी, मुझे ये सवाल था कि जो अपने इंडिया में मोदी जी ने अपना जो भी चाइनीज ऐप बैंड कर दिया विद टिकटॉक, तो तेरा क्या ख्याल है, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए था, क्योंकि
चाइना को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं एंड सपोर्ट करते हैं और जो भी किसी का यूज करें उनकी इकोनॉमी को सही है, फिर हमारी इकोनॉमी को नीचे जा रही है, तो इस वजह से मैं मानता हूँ ये बिल्कुल सही करा है यार, क्योंकि हम जानते हैं। आपने जो मक्का बोलते हैं और भुट्टा बोलते हैं उसकी बी रोल देखी तो कमेंट में बताना कैसी लगी, और तो बाकी तो मैंने खा लिया और खा रहा हूँ। ऐसे तो इसको रेन में खाने मज़ा आती है, मतलब ओशन के सामने हो बीच किनारे, बट अभी तो बारिश भी नहीं है और लॉकडाउन चले तो बाहर जा रहे थे तो घर से ही लाए और इन्जॉय कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं हमारे गुजराती लोग कहाँ भी इन्जॉय करते हैं, खावा पीवा मज़ा नहीं लाए। हाँ शीरीष बोल रहा हूँ मैं। आज मैं विजिट करूँ आपके यहाँ? कितने बजे आएंगे आप ही बता दो तो वही सही रहेगा। 7 o'clock अराउंड चलेगा, 7 बजे आता हूँ। डॉक्टर के पास मेरा ये थर्ड अपॉइंटमेंट है, स्कैनल कराता हूँ उसका, तो अभी मैं आया हूँ विजिट करता हूँ और वापस हम लोग कॉम्प्लेक्स पर चले गए, तो बच्चे लोग नीचे आए रहेंगे तो बात करेंगे कि चाइना ऐप के बारे में क्या सोचते। तो मैं घर पे ही आ गया क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और कुछ शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि बाहर निकला रहता है तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मैं खरीद के लेके जाता हूँ घर पे, तो बार बार आना ना पड़े, तो कॉलोनी में कोई था ही नहीं, पूरा अंधेरा सन्नाटा था, तो सीधा घर पे आया और जो रूटीन वर्क था खाना पीना खाया, न्यूज़ व्यूज़ देखा, और ये वीडियो मैं यहाँ पे ही एंड कर देता हूँ। बट ये वीडियो में क्या अच्छा लगा ज़रूर बताना, और किसी ने मेरी डॉक्टर की वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आई बटन या एंड सीन पर देख लेना, बहुत अच्छी सिनेमेटिक वीडियो बनी थी और बहुत लोगों ने तारीफ़ की थी, और बाकी मैंने न्यूज़ भी देखी और ऐसे नॉर्मल भी सब लोगों से बात की, डॉक्टर से भी बात की, तो सब लोगों ने बोला हाँ जो चाइनीज़ ऐप का हम लोग बैन कर रहे हैं वो करना चाहे, सपोर्ट करना चाहे, टिकटॉक स्टार है जो टॉप लेवल के लोग हैं वो लोग ने भी बोला, तो मुझे अच्छा लगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर कोई नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग।